नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। त्योहारों की नजदीक आते ही मिलावटखोर काफी सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि जनता तक उच्च कोटि का माल पहुंचाने और मिलावट कोनों पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग द्वारा समय समय पर मिठाई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। इसी तरह में जबलपुर के गौर सालीवाड़ा क्षेत्र में चल रही अवैध मिठाई फैक्ट्री पर खाद्य विभाग द्वारा बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि क्षेत्र की जानी पहचानी दालूराम स्वीट्स के मालिक सुरेश एंड सन द्वारा बरेला थाना अंतर्गत सालीवाड़ा क्षेत्र में अवैध मिठाई की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसे लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। खाद्य अधिकारी पंकज श्रीवास्तव एवं सालीवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच सौरभ राय द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री का संचालन लगभग 2 वर्षों से चल रहा है और फैक्ट्री में अवैध रूप से मिलावट वाली मिठाई निर्माण कर दालूराम स्वीट्स के नाम से बेची जाती है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर 10 भट्टी भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हमको सालीवाड़ा गौर स्थित एक फर्म में शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध निर्माण मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा है, तो जिसके क्रम में आज हमारी टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। तो फर्म में पाया कि सुरेश एंड सन्स नाम से फर्म है, जो डालूराम के नाम से व्यवसाय करते हैं, उनका मिठाई का कारखाना यहाँ पर स्थित है। कारखाने में जो आपके फूड हैंडलर्स वर्क कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और अन्य जो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी अस्वच्छकर परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण पाया गया है, जिसके क्रम में आज हम इनका लाइसेंस जो FSSAI रजिस्ट्रेशन इनने प्राप्त किया हुआ है उसको निलंबित किया गया है और अग्रिम आदेश तक ये कमियां पूर्ण करने तक इनका खाद्य कारोबार करने के रोक लगाया है। सर, ये फैक्ट्री कब से चल रही है? वो तो हम लाइसेंस की डेट देख कर देख पाएंगे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि लगभग 2 साल से संचालित है। फैक्ट्री सील नहीं की जा रही है, हम यानी इनको खाद्य कारोबार करने से क्रय विक्रय निर्माण करने से रोक रहे हैं। फैक्ट्री का मालिक कोई सरिता अग्रवाल करके हैं, मंडला निवासी सरिता अग्रवाल, पंकज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जबलपुर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।